तो लीजिए दोस्तों, एक बार फिर से हम आपके साथ अपनी एक नई रेसिपी लेकर के हाजिर हुए हैं, जो कि है प्याज पकौड़े की रेसिपी। और ये बहुत ही टेस्टी और खूबसूरत दिखने में जितनी दिख रही है, खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी रेसिपी है। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त रिमी मेहरा एक बार फिर से आपके अपने चैनल एक्टिविटीज़ एंड स्पाइसेस में आपका स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ प्याज पकौड़े की रेसिपी। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे पहले से ही सारे इंग्रेडिएंट्स रेडी कर लिए हैं, जिसमें मैंने प्याज लिए हैं 3 छोटे साइज़ के, जिनको चॉप कर लिया है। 1 कप बेसन लिया है, अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, साथ में हरी मिर्च को मैंने पेस्ट कर लिया था। और यहाँ पे मैंने 3 छोटे साइज़ के टमाटर लिए हैं, जिनकी प्यूरी बना ली है। 2 छोटी साइज़ की हरी मिर्च ली अलग से, और 1/2 टीस्पून के करीब बेसन, और गार्निशिंग के लिए लिया है हरा धनिया। इन सभी इंग्रेडिएंट्स के साथ आज की हम ये रेसिपी बनाने जा रहे हैं, जिसका नाम है प्याज पकौड़े की सब्ज़ी। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों, सबसे पहले हमने जो बेसन लिया है, उसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। आप जिस हिसाब से आपकी सब्ज़ी की क्वांटिटी होगी, आप पकौड़े उसी हिसाब से कम ज़्यादा बनाइएगा। मैं 1 कप के करीब बेसन ले रही हूँ। और इस समय पर मैं यहाँ पर ऐड करी हूँ 2 टेबल स्पून के करीब चॉप्ड अनियंस। बाकी ग्रेवी बनाने के काम आएंगे। और 2 ग्रीन चिली, जिनको मैंने बहुत ही बारीक काट लिया था, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये है चिली फ्लेक्स। तो दोस्तों, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं, पर मैंने थोड़े से यूज़ किए हैं। और यहाँ पर मैं कुछ स्पाइसेस ऐड करूँगी, जिसमें मैंने 1/2 टीस्पून के करीब धनिया ज़ीरा का पाउडर लिया है, हल्दी ली है 1/2 टीस्पून से कम, और थोड़ा सा जीरा। आप चाहें तो जीरे की जगह पर अजवाइन का भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैंने जीरे का इस्तेमाल किया है। और इस समय पे मैं इसमें ऐड करूँगी नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। तो अब हम इसे बहुत अच्छे तरीके से पहले मिक्स कर लेते हैं। और इसमें इस समय पे मैं ऐड करूँगी कोरिएंडर लीव्स, जिससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। और दोस्तों, आप इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि आप चाहे तो, ज़रूरी नहीं आप प्याज के ही पकौड़े बनाना चाहें, आप कोई भी पकौड़े बना सकते हो, चाहे वो मेथी के हो, गोभी के हो, आपको जो भी पसंद हो आप कोई भी पकौड़े बना सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अब हमें इसका एक अच्छा सा स्मूथ डो तैयार कर लेना है, इसका बिल्कुल परफेक्ट बैटर बना लेंगे, जिससे कि हमारे पकौड़े बिल्कुल स्मूथ बनने चाहिए, सॉफ्ट होने चाहिए। हमें इसी तरीके से इसका बैटर रेडी कर लेना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए। तो देखिए दोस्तों, हमारा बैटर बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है, और इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी ही होनी चाहिए, जिससे कि हमारे पकौड़े जो ना ही ज़्यादा टाइट बने और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट हो। तो यहाँ पे मैंने लिया था मस्टर्ड ऑयल हमारे पकौड़ों को रेडी करने के लिए, आप चाहें तो कोई भी ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। तो जब तक तेल आपका अच्छे से गर्म हो जाता है, उसके बाद आप अपने पकौड़े बनाना स्टार्ट करें। और यहाँ पर आप साइज़ बिल्कुल अपने हिसाब से बड़े छोटे कर सकते हैं। तो हमें इसी हिसाब से सारे पकौड़े बना करके रेडी कर लेने हैं। और दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपका तेल बहुत अच्छे से पक जाना चाहिए, क्योंकि ये मस्टर्ड ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल का कच्चापन निकल जाना बहुत ज़रूरी होता है, तो आप इस बात का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। और अलट-पलट करते हुए हमारे पकौड़े हमें रेडी करने हैं। तो देखिए दोस्तों, पकौड़े हमारे यहाँ पर बन के हो चुके हैं बिल्कुल रेडी, जिसको मैंने एक टिश्यू पेपर पर निकाल लिया था, जिसका इसका एक्स्ट्रा तेल है वो भी निकल के अलग हो जाए। और हमें ये जो पकौड़े हैं दोस्तों, थोड़े डार्क कलर के ही फ्राई करने हैं, क्योंकि बाद में ये ग्रेवी में भी जाएंगे, तो इससे इसका कलर बिल्कुल मैनेज हो जाएगा। तो आप थोड़े हल्के डार्क कलर में ही अपने पकौड़े बना करके रेडी कीजिएगा। तो इसी तरीके से हमारे बचे हुए बैटर से भी हम बाकी पकौड़े बना लेते हैं। और अब हम चलते हैं इसकी ग्रेवी की ओर। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले लिया है 2 तेज़पत्ते और 1/2 टीस्पून के करीब जीरा, जिनको हम हल्का सा क्रैकल होने देंगे। और यहाँ पे मैंने वही तेल यूज़ किया है दोस्तों, जो पकौड़ों में बच गया था, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा तेल कर सकते हैं। इसी समय पे मैं इसमें ऐड करूँगी हमारे बचे हुए अनियंस, जिनको हमने चॉप किया था। और अब हमें इन्हें अच्छे तरीके से दोस्तों चलाते हुए फ्राई कर लेना है, और हमारे प्याज अच्छे ब्राउन कलर तक आने तक हमें इन्हें अच्छे से फ्राई करते हुए भून लेना है, जब तक ये ब्राउन ना हो जाए। तो देखिए दोस्तों, प्याज हमारे बहुत अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं, बहुत अच्छा कलर इसमें देखिए आ चुका है। तो अब इस समय पे मैं इसमें ऐड करूँगी अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट, जो हमने ग्राइंड करके रेडी किया था, और हमें इसे अब अच्छे तरीके से चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेना है।
और हमें तब तक इसे चलाना है जब तक कि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो निकल ना जाए। और इस समय पे मैं इसमें 2 से 3 चम्मच के करीब पानी ऐड करूँगी, जिससे कि ये हमारे बर्तन के साथ जो मसाले हैं वो ना चिपके। तो ठीक है, मैंने 2 से 3 चम्मच के करीब ही पानी लिया है और अब हम इसे अच्छे से चला लेंगे। इसी समय पे हम इसमें ऐड करेंगे दोस्तों हमारे स्पाइसेस, जिसमें मैंने लिया है 1/2 टीस्पून के करीब हल्दी, 1/2 टीस्पून के करीब कश्मीरी लाल मिर्च और धनिया जीरा का पाउडर 1/2 टीस्पून के करीब। अगर आप तीखी लाल मिर्च का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैंने नहीं की है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट। दोस्तों नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कीजिएगा, लेकिन आप इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि हमने पकौड़ों में भी नमक का इस्तेमाल किया है, तो आप थोड़ा ध्यान से। तो अब हम इसमें हल्का सा पानी ऐड करते हुए हमें अब इन्हें सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेना है, जिसको अच्छे से भूनते हुए हमें 3 से 4 मिनट का समय लग जाएगा। और तब तक हमें इसे भून लेना है जब तक ये अच्छे से पक ना जाए और ये अपना तेल रिलीज़ ना कर दें, हमें तब तक इसे अच्छे से चलाते हुए भून लेना है। तो अब हम इस समय इसे ढक देंगे दोस्तों, क्योंकि इसे ढक कर पकाने से ये जल्दी ही पक जाएंगे। तो अब हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम में 2 से 3 मिनट तक पक लेने देंगे, जब तक इसका तेल अच्छे से सेपरेट हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अब हम इसे चेक करते हैं। तो आप जैसा देख पा रहे होंगे, हमारे मसालों ने काफ़ी तेल रिलीज़ किया है। देखिए, आप देखिए अच्छे से देख पा रहे होंगे, यानी कि ये अच्छे तरीके से भून के रेडी हो चुके हैं। तो अब इस समय पे दोस्तों हम इसमें ऐड करेंगे हमारे टमाटर की प्यूरी, जो हमने 3 छोटे साइज़ के टमाटर लिए थे, अब हम उसे इसमें ऐड करेंगे। और एक बार फिर से हम इसे अच्छे तरीके से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे, जिससे कि ये सारे मसालों के साथ हमारा टमाटर भी बहुत अच्छे तरीके से पक जाए और बहुत ही एक टेस्टी ग्रेवी बन के रेडी हो जाए। अब हमें इन्हें अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और अच्छे से भून लेना है। अब टमाटर और मसालों को एक साथ बन के रेडी होने में इसे अब हम फिर से ढक के पकाएंगे और इसको बनने में 2 से 3 मिनट का समय लगेगा। तो अब हम इसे ढक देते हैं। 2 से 3 मिनट दोस्तों हो चुके हैं और आइए अब हम चेक कर लेते हैं। तो लीजिए दोस्तों, ये हो चुके हैं हमारे सारे मसाले और टमाटर बहुत अच्छे तरीके से बनके तैयार, और तेल भी देखिए काफ़ी अच्छे तरीके से रिलीज़ हो चुका है, यानी कि हमारी ग्रेवी ऑलमोस्ट बनके रेडी हो चुकी है और बहुत अच्छे से ये पक चुकी है। तो इस समय पे अब दोस्तों हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला, जो मैंने 1/2 टीस्पून के करीब लिया है। इसे हम अच्छे से चला लेते हैं। गरम मसाला आप कोई सा भी यूज़ करते हो, आप उसको इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसी समय पे दोस्तों मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा हरा धनिया, जिससे कि इसकी खुशबू और टेस्ट काफ़ी बढ़ जाता है। तो मैंने इस समय पे थोड़ा सा ऐड किया है। आप चाहे तो बाद में गार्निशिंग के समय पे भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैंने इस समय पे इसको हल्का सा यूज़ किया है। तो अब हमें दोस्तों इसे अच्छे से एक बार चला लेना है और अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो दोस्तों आपको जिस क्वांटिटी में ग्रेवी चाहिए आप उस हिसाब से पानी ऐड कीजिएगा। आप इस सब्ज़ी को चावल के साथ, रोटी के साथ भी खा सकते हैं। तो अगर आप चावल के साथ इसे ट्राई करने वाले हैं तो ग्रेवी आप ज़्यादा रख सकते हैं, और अगर आप रोटी के साथ खाने वाले हैं तो आप कम भी कर सकते हैं, बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए हमारी ग्रेवी में आ चुका है उबाल बहुत अच्छे तरीके से। तो दोस्तों आपने जैसे देखा होगा, हमने यहाँ पे बेसन लिया था 1/2 टीस्पून के करीब। तो बेसन हमने इसलिए लिया था कि अगर आपको आपकी ग्रेवी ठीक ना लगे, पतली लगे, तो आप जब मसाले भून रहे हो तो उस समय पे आप बेसन को साथ में फ्राई कर सकते हैं, जिससे कि आपकी ग्रेवी काफ़ी थिक हो जाएगी। लेकिन मेरी ग्रेवी बिल्कुल परफेक्ट है, काफ़ी थिक है, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे पकौड़े और हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर पका लेना है। तो अब हम इसे ढक देते हैं और इसे पकने के लिए छोड़ देते हैं 2 से 3 मिनट के लिए। तो आइए दोस्तों अब हम इन्हें चेक कर लेते हैं। तो देखिए ये हमारी पकौड़े प्याज की सब्ज़ी बिल्कुल परफेक्टली बन के तैयार हो चुकी है, और हमें इतनी ग्रेवी चाहिए थी, तो ये बिल्कुल परफेक्टली रेडी हो चुकी है। तो आप अपनी ग्रेवी कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो अब हम इसे एक बार देखिए पकौड़ों को भी चेक कर लेते हैं कि हमारे पकौड़े बिल्कुल सॉफ्ट हुए या नहीं, तो हम आपको चेक करके दिखाते हैं।
देखिए पकौड़े हमारे बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं और बहुत अच्छे से नरम हैं और पक चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से, और ग्रेवी भी बहुत अच्छे से इनके साथ मिक्स हो चुकी है, यानी ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है हमारी प्याज पकौड़े की सब्ज़ी। तो आप दोस्तों एक बार इसे ज़रूर अपने घर में ट्राई कीजिएगा और ये बहुत टेस्टी बनती है। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो लीजिए दोस्तों, हमारी प्याज पकौड़े की रेसिपी आज की बनकी हो चुकी है बिल्कुल तैयार, जो कि बहुत ही टेस्टी होती है, जिसको हम गार्निशिंग करेंगे हरे धनिए के साथ। तो दोस्तों अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपने व्यूज़ के द्वारा मुझे अपना प्यार दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।